हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल घुमक्कड़ पहाड़ी। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार। ओम शंकर भोलेनाथ, हम लोग सब ओम शंकर के लिए पड़े। जय शंकर की, जय भोले शंकर की, जय भोले। दिख रहे हैं जैसे कि हम इस वाले रास्ते से आए हैं अभी नीचे से ऊपर, जो कि आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा यहाँ से। और हर हर महादेव, जय हो भद्रवा कैलाश। और ये जो देख रहे हैं आप, यहाँ से एक रास्ता इधर से आ रहा है नीचे से ऊपर, तो इन पत्थरों के अंदर अंदर से, और बिल्कुल सामने देख रहे हो कितना बड़ा ग्राउंड सा दिख रहा है हमें, पत्थरों से भरा हुआ और चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है। इस पॉइंट पे आपको ग्लेशियर मिलते हैं, वैसे बर्फ ना पड़ने के कारण ये सब जो दिख रहा है आपको पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं। तो वहाँ से दूसरा रास्ता आता है वो यहाँ नीचे से पैदल, इसमें कि आपको 2 दिन या 3 दिन भी लग सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा चलने में आराम से हो तो आपको 2 से 3 दिन इसमें लगेंगे, कम से कम 2 दिन आपको आने में ऊपर लगेंगे, क्योंकि रास्ता बहुत दूर है। और हमारे को यहाँ से भदरवा दिख रहा है, तो आपको जब भदरवा से चढ़ना है तो आपको जंगलों के रास्ते में आना पड़ता है। तो ये जो दूसरा रास्ता है, ये हम गाड़ी के थ्रू आए हैं, जिसमें कि हमारी कम से कम 35 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी आएगी। वहाँ से आपको तिरछा चढ़ना होता है, तो ये भी बड़ा अच्छा ट्रैक है, बल्कि साफ़ सुथरा है। बल्कि आप यहाँ पर सड़क दिखाओ कहाँ जा रहे हैं, वो नीचे आपको बीच में सड़क दिख रही होगी, यही सड़क आ रही है जो भोलेनाथ भक्तों। जैसे आप देख रहे हो, एक पानी के बीच में एक दरवाज़ा सा बन रहा है बिल्कुल, और ये कोने पे देखिए, बिल्कुल लास्ट पे जा करके यहाँ से आपको ब्लैकनेस दिख रही होगी, यानी कि जो वासुकी नाग है, कई इनके शीश है सिर्फ कहने का मतलब, तो ब्लैकनेस जैसे दिख रही है आपको मंदिर से, यानी कि ये उनका मुँह बन रहा है पूरा वासुकी नाग जी का। बहुत ही भव्य यहाँ पर नज़ारा भरमौरी जी हमारे, जय शंकर भोलेनाथ, जय भोले। अभी हम परिक्रमा करके पूरे आ चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हो, और आज का जो दिन है ये एक ऐसा ऐतिहासिक दिन है जिस दिन में सिर्फ हम 5 लोग ही इस कैलाश पर पहुंचे हैं, और ये आखिरी दिन है कैलाश स्नान का। और कैलाश, हर कैलाश का, जितने भी कैलाश हैं हमारे 7 कैलाशों का, आज ये आखिरी स्नान होता है। हमारे इसे लोकल भाषा में साझा भी बोलते हैं, तो एक आज साझा होता है हमारा, तो उस दिन ये स्नान बहुत ही शुभ माना जाता है। और जो आज हम स्नान करेंगे दूसरे पहर में, उसको बोलते हैं ताल को काटना। और हमारे बाद इस झील पे इस साल कोई भी नहीं आएगा, अगले ही साल अगर कोई आएगा तो वो अगले ही साल यहाँ पर दर्शन करेगा, और यहाँ पर जो स्नान करेगा वो अगले साल ही होगा। और हम ही यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं जो यहाँ पर शाही स्नान करेंगे और आखिरी स्नान। देख रहे होंगे आप कि यहाँ पहले लोग आ चुके हैं और यहाँ पर दर्शन करके चले गए हैं लोग, यहाँ पर पूरा उन्होंने व्यवस्था रखी हुई है, बल्कि यहाँ पर राजमा चावल भी अभी उन्होंने शायद ज़्यादा हो गया होगा, उन्होंने यहाँ गिराया हुआ है। तो देख रहे होंगे आप, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर बना रखा है व्यवस्था है। और भोलेनाथ जी की शिवलिंग को भी एक पत्थर पर बड़े ही अच्छे शिला पर स्थापित किया गया है, और विद झंडा जब आप देख रहे होंगे, और हमारे नंदी जी महाराज भी अपने इष्ट की ओर मुंह रखे हुए हैं और पूरी तरह से विराजमान है, जय शंकर। और हमारा त्रिशूल तो आप देख रहे होगी, नाग जो हमें शिवलिंग पर नाग दिख रहा है, यही हमारे वासुकी नाग जी का प्रतीक है, और यही वो नाग है जो हमारे भोलेनाथ जी के गले में प्रत्यक्ष रूप से हमेशा रहते हैं। और जय भोले, जय शंकर भोलेनाथ। ये देख सकते हैं हमारे भरमौरी भैया खुश हो चुके हैं यहाँ पहुँच करके, हर हर महादेव। ये हमारे वीरू भाई और ये सुनील भाई और हमारे शेंकी सरदार पूजा कर लगे हैं। और ये देखिए, आपको संजोग वाली बात बताऊंगा, आप परेशान हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर से रहने वाले हैं और हम दर्शन के लिए सिर्फ 4 ही लोग आए थे, और भोलेनाथ की जो गिनती चलती है ना, 1, 5, 7 और 9, तो भोलेनाथ ने इनको हमारे साथ दर्शन करना लिखा था, और अभी हम पूरे मिला करके 5 व्यक्ति है जो कि इस टाइम दर्शन के लिए दर्शन कर चुके हैं। और इस टाइम ये जो वीडियो ऐतिहासिक है, इस डल झील पर इस टाइम हम 5 है, तो 5 ही है, 5 के अलावा हमारे भोलेनाथ ही है और हमारे वासुकी नाग जी यहाँ पर। इतना
ठंडा पानी और ये मौसम और ये बोले कैलाश की पंबाब शंभो हर हर महादेव। तो इस वक्त हम समुद्र तल से तकरीबन 13,000 फीट पर एक दर्रे पर रुके हैं, जहाँ से ये दर्रा दो जगहों को मिलता है, एक कटेऊ जो इस साइड है और एक कश्मीर जो इस बार है। हर हर महादेव। हमारे साथ हमारे दोस्तों, बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आप अपना प्यार दें और अधिक से अधिक शेयर भी करें, ताकि आप जैसे महादेव के भगत भी अन्य जो हैं वो भी इस वीडियो को देख सकें। और यहाँ से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप मुझे कॉल या कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको हर तरह की जानकारी दूंगा। जय शंकर। जय भोले शंकर। अभी हम डोडा के पास पहुंच चुके हैं। ये ऊपर जो दिख रहा है ये डोडा है, ये अपने भाई लोग फुल ऑफ वन, उधर भी दो भाई लोग लगे हुए हैं काम पे अपने। पहले यहाँ से रोड हुआ करता था, यहाँ पर अब बांध बनने के कारण ये पुल पाल सब दब चुका है। ओके। और जो वो नदी दिख रही है आपको, ये हमारी चिनाब नदी है जो कि चंद्रभागा के नाम से जानी जाती है। और ये वाया चंबा होते हुए कश्मीर, मतलब यहाँ का जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, उसमें जा कर के एंटर करती है और यहाँ पहुँचती है। तो जैसे कि आप देख रहे हो नदी उधर से जो आ रही है, उसका कलर ही आप देख रहे हो कि बिल्कुल अलग।